नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़, एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप क्लास 10th सीबीएसई पैटर्न। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरवंशपुर आजमगढ़, एडमिशन ओपन। विद्यापीठ सेंटर फॉर आईआईटी जेईई एंड नीट। साई इंटरनेशनल स्कूल निकट आरटीओ ऑफिस मधुली बाजार आजमगढ़, एडमिशन ओपन। डालिम सन बेबी स्कूल तिवारीपुर मऊ रोड आजमगढ़, एडमिशन ओपन। गोमती ग्रामीण निधि बैंक, निवेश और सिक्योर्ड लोन के लिए संपर्क करें। जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर आजमगढ़, एडमिशन ओपन। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़ और होटल पार्क ग्रीन सिधारी आजमगढ़। झांसी में उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी माफिया अतीक अहमद के पुत्र असद और शूटर गुलाम मोहम्मद के पुलिस एनकाउंटर में ढेर होने के बाद प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसे राजनीतिक दलों ने एनकाउंटर की जांच की मांग की है। तो वहीं उमेश पाल हत्याकांड में शहीद हुए गनर संदीप निषाद के परिजनों ने बदमाशों के एनकाउंटर को सही ठहराया है। गनर संदीप निषाद के आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना क्षेत्र के बिसईपुर गांव में पिता संतराम निषाद, माता संतरा देवी, भाई दीपचंद निषाद और विजय निषाद का कहना है कि आज संदीप निषाद की आत्मा को कुछ शांति मिली होगी। पूरी तरह से शांति तब मिलेगी जब अतीक अहमद के पूरे परिवार का सफाया होगा। संदीप निषाद के परिवार का कहना है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी वह उन्होंने सच कर दिखाई है। उम्मीद है कि आगे भी बचे हुए आरोपी हैं उनका भी यही हश्र होगा, तब जाकर हमें न्याय मिलेगा। परिवार का कहना है कि संदीप की कमाई से घर चलता था, आज उनके जाने के बाद परिवार पर जो वज्रपात हुआ, जिस तरह से हम लोग तड़प तड़प कर जी रहे हैं, इसी तरह से अतीक अहमद और उसका परिवार भी तड़पे और सरकार चुन चुन कर एक एक अपराधी को कड़ी सजा दे। संदीप निषाद के परिजनों का कहना है कि उन्हें योगी सरकार पर पूरा भरोसा है। मुठभेड़ में हमको 3:30 बजे न्यूज में मिला, आत्मा को शांति मिली, लेकिन शांति पूरा फुल कब मिलेगी, जब उसका जितना परिवार है छोटा बड़ा इनकाउंटर या तो फांसी हो जाए तो हमारे शहीद बेटे को आत्मा को शांति मिले। हमारे पास रही क्या गया है, कमाने वाला वही एक ही बेटा था, दो बेटा बेरोजगार है, बड़ा लड़का इलाहाबाद में तैयारी कर रहा था, उसका पढ़ाई भी रुक गया, इधर छोटा वाला भी हम कहाँ से उसका पढ़ाई लिखाई करें। 50 लाख रुपया मिला, 40 तो ले गई, 10 लाख मिला प्लस उसमें से क्रियाक्रम किया, अभी डेली खर्चा हो रहा है, तो है क्या हमारे पास, तो इतना जमीन जटा नहीं है कि हम जमीन से कमा के अपना पूर्ति करेगा परिवार को। दो बेटा बच्चा है, बूढ़ी बूढ़ा हम लोग हैं और बड़ा लड़का का दो बेटा लोग, उसका वाइफ है, कोई सहारा है नहीं कि बेटा का पढ़ाई चलाएं और उसका पालन करें, अब तो कोई सहारा रह नहीं गया है। बहू का क्या दिल में है, रहेगी या नहीं रहेगी, नौकरी पाने के बाद जब काम क्रिया होने के बाद वो सीधे मायके चली गई तो उसका क्या भरोसा हम रखेगा। कहना यह चाहते हैं कि जब मारल गए ने कुत्ता जेल के संतोष मिला, शांति आई, बाकी जितना पलवार हैं जैसे मार जाए तो तब दिल के तसल्ली आई। और जैसे हम लोग तब से माल कल्पत हैं वैसे उनका पूरा पलवार मरा जाए, जे जिंदा रहे तो कल्प डूब कर, तब दिल के तसल्ली आई। और कौन हमारे सहारा बाय, कौन सहारा जी सकीला कमाई। यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग थे इस ग्रुप में उन लोगों को इनकाउंटर हो, उन लोगों को फांसी हो। इनकाउंटर तो हो गया ना दीवार, हाँ दो लोग का हुआ है, जितने लोग हों उनका भी इनकाउंटर हो या फांसी हो, सही तो हो गए। जितने जो इनकाउंटर में झांसी में आज जो इनकाउंटर हुआ, दो हत्यारों को मतलब गुनहगारों को ढेर किया गया है, तो परिवार में एक सांत्वना का माहौल बना हुआ है और इससे हम लोग को एक प्रेरणा भी मिल रही है। और योगी सरकार भी पूरा भरोसा, जैसे उन्होंने सांसद में विधानसभा में बोला था कि मिट्टी मिलाएंगे, उसी तरह उन्होंने कार्रवाई पूरी तरह से कर भी रहे हैं, इससे हम लोग को उनके ऊपर पूरी उम्मीद है कि आगे भी कार्रवाई करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती सभी बूथों पर मनाई गई। इस अवसर पर संगठनात्मक जिला आजमगढ़ और लालगंज द्वारा संयुक्त रूप से नेहरू हॉल में गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्यसभा सांसद, पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश संयोजक, मत्स्य प्रकोष्ठ जयप्रकाश निषाद मौजूद रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर आयोजित गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व सांसद राज्यसभा जयप्रकाश निषाद ने कहा कि संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की रचना की। वो महान शिक्षाविद, समाज सुधारक और अर्थशास्त्री थे। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में भारत ही नहीं विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं, तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ही देन है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अधूरे सपनों को पूरा करने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए उनसे जुड़ी 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया गया। इसमें मध्य प्रदेश का महू, जहां बाबा साहब के जन्म हुआ, उनकी जन्म स्थली के रूप में विकसित की जा रही है। दूसरी दीक्षा भूमि नागपुर, तीसरी मुंबई का इंदू मिल, चौथा लंदन का वो घर जहां बाबा साहब रहकर वकालत की शिक्षा लिए, उसे भारत सरकार खरीद कर विकसित कर, और पांचवा दिल्ली के हलीपुर में वो घर जहां बाबा साहब ने अंतिम सांस ली। उस स्थान को भारत सरकार संविधान निर्माता की स्मृति के रूप में विकसित करने का काम कर रही है। इस अवसर पर शेषनाथ आचार्य, क्षेत्रीय अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा चंदूराम सरोज, जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह, जिलाध्यक्ष लालगंज ऋषिकांत राय, संगीता तिवारी, अंजना सिंह, तीजाराम, प्रेम प्रकाश राय, चंदूराम सरोज, सौदागर भारती, उषा आर्य, दिवाकर सिंह, विनय प्रकाश गुप्ता, विवेक निषाद, अवनीश चतुर्वेदी मौजूद रहे। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सताए गए, दबाए गए उन कुरीतियों को एक साथ समता मूलक समाज की स्थापना करने का जो उन्होंने संकल्प लिया था, जो उनके साथ भेदभाव से उपेक्षित होकर के उन्होंने इस देश में सर्वोच्च स्थान सभी शिक्षा में लेकर के आए, तो उन्होंने पूरे देश में एक समता मूलक की स्थापना करने का जो निर्णय लिया बाबा साहब ने, आज उनके इतिहास को आज पूरे आजमगढ़ की जनता आज जयंती मना करके उसको पूरे संदेश देने का काम करेगी। निकाय चुनाव को लेकर क्या लग रहा है इस बार पार्टी मजबूती से? भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव हमेशा लड़ते रहती है और 365 दिन चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर वक्त तैयार रहते हैं, जब भी चुनाव कोई भी कभी भी कराए वो तैयारी, कोई अलग से उनका तैयारी नहीं होती है, वो हमेशा तैयार रहते हैं। और चुनाव आया है, चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत होगी। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, अपर जिलाधिकारी आजाद भगत सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र सहित अन्य अधिकारियों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की चित्र प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि बाबा साहब के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर लोगों को चलना चाहिए, उनके विचारों पर चलने से देश आगे बढ़ेगा। उनका विचार था कि सभी को समान अधिकार मिले और सभी लोग शिक्षित बने। उन्होंने कहा कि बाबा साहब की सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनके बताए गए विचारों पर चलें। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने समाज को एक समान जोड़ने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि उनका विचार था कि समाज में समता होनी चाहिए। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में अनेक बाधाओं व कष्टों को सहा, किंतु कभी भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अस्पृश्यता व भेदभाव का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि महापुरुषों के जीवन का अनुसरण करते हुए व्यक्ति को उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलकर देश व प्रदेश की तरक्की, खुशहाली के लिए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो अपने सुख साधनों को छोड़कर देश का हित करे, ऐसे महान व्यक्तियों को नमन करते हैं। बाबा साहब ने समाज में परिवर्तन लाने के लिए अनोखा कार्य किया है। संविधान निर्माण में उन्होंने सभी धर्म, वर्ग, जाति और एक समान करने का विशेष ध्यान रखा। नैतिक एवं सामाजिक जिम्मेदारी है कि सभी कार्यों का समय से निर्वहन करें। इसी के साथ ही अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता ने अम्बेडकर जयंती के अवसर पर संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद अधिकारियों कर्मचारियों के बीच बाबा साहब के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा की। सिद्धांतों को, उनके आदर्शों को हम याद कर रहे हैं, उनकी नेताओं को हम याद कर रहे हैं, लेकिन उन नेताओं को याद करने के साथ साथ हमें उसको अपने कार्य रूप में भी लाना होगा, हमें अपने व्यवहार में भी उसको लाना होगा।
हमें केवल अपनी सोच तक ही सीमित ही रखना है, सोच के साथ उसको अपने एक्शन में भी कार्य में भी उसको अंजाम देना होगा। तो हम जितने निष्ठावान रहेंगे, जितने हम संवेदनशील रहेंगे ऐसे लोगों के प्रति जो कि समाज में हाशिए पर खड़े हैं, जो वंचित हैं, दलित हैं, आज भी समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि हमारी सरकारी योजनाओं को लाभ और अधिक ढंग से दिए जा और प्रभावी ढंग से दिए जाने की आवश्यकता है। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम उन योजनाओं को कैसे उन तक पहुँचाएँ, इसके बारे में हमारी विचार हमारा विचार मंथन होना चाहिए और हम जितने प्रभावी ढंग से लागू कर सकेंगे निश्चित रूप से वही हमारी बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, उनके आदर्शों के प्रति हमारी सच्ची निष्ठा होगी। बहुजन समाज पार्टी की ओर से बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती नगर के अम्बेडकर पार्क में मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता रमेश निषाद भावी प्रत्याशी नगर पालिका आजमगढ़ व संचालन अमरनाथ गौतम विधानसभा अध्यक्ष बसपा ने किया। आगंतुकों ने सर्वप्रथम बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण पढ़कर उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद लालगंज डॉक्टर बलिराम ने कहा कि बाबा साहब का जन्म ऐसे समय में हुआ, उस समय इस देश में छुआछूत पाखंड सामाजिक गैर बराबरी चरम सीमा पर थी। उस अपमान को सहकर बाबा साहब ने अपनी शिक्षा पूरी कर दलितों पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हुए भारत को एक संविधान, गांधी को प्राणदान और नारियों को सम्मान दिया। विशिष्ट अतिथि पूर्व MLC डॉक्टर विजय प्रताप ने कहा कि आज बाबा साहब की जयंती एक पर्व के रूप में देश विदेश में मनाई जा रही है। हमें बाबा साहब से प्रेरणा लेकर इस देश में भाईचारा पैदा कर समता मूलक समाज की स्थापना करना है, जिससे देश में बहुजनों की सरकार बने और गैर बराबरी समाप्त हो सके। इस मौके पर हरीश चंद्र गौतम, धीरज कुमार, मिंटू अनिल कुमार, धमेंद्र कुमार, शैलेंद्र कुमार, नंदलाल, राजेश कुमार, ओम प्रकाश, अमित अम्बेडकर, रवि नायक, रविकांत, डॉक्टर अंगद भारती, राजकुमार वामसेव, हरिलाल सोनकर, मुखराम निषाद, विशाल रंजन, मनोज निषाद, केशव भारती, रामपाल ठाकुर, सुभाष जायसवार, तारिक हसन, सुबेदार निषाद, रामजी चौहान, डॉक्टर अनिल कुमार, अनुपम अगोचर, रुद्र प्रताप, गया प्रसाद, सत्य प्रकाश, शैलेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। 14 अप्रैल 1944 को बॉम्बे में डाक यार्ड में विस्फोटक पदार्थों तथा रसायन से भरे मालवाहक जहाज में विस्फोट होने के कारण वृहद अग्नि दुर्घटना घटित हुई थी। उक्त अग्निकांड पर अग्निशमन कार्य करते हुए अग्निशमन के अधिकारियों कर्मचारियों ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तभी से 14 अप्रैल को उनकी शहादत पर प्रत्येक वर्ष अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों द्वारा कर्तव्य परायणता के दौरान अपने प्राणों की आहत करने वाले कर्मियों की यादगार में अग्निशमन स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में शुक्रवार को शाम 5 बजे अग्निशमन केंद्र आजमगढ़ में मुख्य अग्निशमन अधिकारी एवं अन्य फायर सर्विस अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा शहीद कर्मचारियों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक जनपद आजमगढ़ के समस्त अग्निशमन केंद्रों द्वारा अग्नि सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा, जिसके क्रम में मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा शुक्रवार को अग्निशमन के वाहनों की रैली को हरी झंडी दिखाकर अग्निशमन केंद्र ब्रह्मस्थान से पूरे जनपद में अग्नि से जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार हेतु रवाना किया गया। अग्निशमन के वाहनों पर विभिन्न प्रकार के पोस्टर, बैनर तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों से सुसज्जित वाहन विभिन्न मार्गों से होते हुए स्कूलों, कॉलेज संस्थानों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी अग्नि से रोकथाम एवं प्रचार प्रसार करेगा। मुख्य अग्निशमन अधिकारी आजमगढ़ ने बताया कि आग से बचाव एवं सुरक्षा की जानकारी अग्निशमन विभाग द्वारा पूरे सप्ताह दी जाएगी। दिन जो है अग्निशमन सेवा सप्ताह के रूप में फायर सर्विस आजमगढ़ द्वारा मनाया जा रहा है, जो अग्निशमन तथा आपात सेवाएं उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में चल रहा है। इसका मेन उद्देश्य है कि प्रचार प्रसार का, कि गर्मी को देखते हुए कम से कम अग्नि दुर्घटनाएं हों और जीवन रक्षा काल से बचत मिले। जैसे मान लीजिए इस समय गेहूं की फसल काफ़ी कट रही है और कटने में कुछ लोग काट कर डंठल को जला दे रहे हैं, जिससे जो है अन्न का भी नुकसान हो जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य यह भी है कि इस समय प्रगति के रूप में जो है कम से कम आग लगे, इसका विस्तार पूर्वक जो है आपको जो है बैनर के माध्यम से गाड़ियां भी हमारी संचालित हो रही हैं, जा रही हैं, इसमें बोलने के लिए हम लोग माइक लगाए हैं, जनता को जागरूक किया जाएगा। इसके लिए शहर और देहात दोनों के लिए जो है अग्निशमन हेतु जो है उपाय बताया जाएगा। ये रैली कहाँ से होते हुए कहाँ तक? हाँ, ये रैली जो है हमारे फायर स्टेशन ब्रह्मस्थान से पहाड़पुर तिराहा होते हुए सीधे सदर होते हुए बलरामपुर, बलरामपुर से रैदोपुर होते हुए जुनेदगंज होते हुए सीधे जो है भंवरनाथ जाएगी और भंवरनाथ से करतारपुर होते हुए पुनः जो है फायर स्टेशन ब्रह्मस्थान आ जाएगी। आजमगढ़ लाइफलाइन हॉस्पिटल द्वारा पहले भी अपने संसाधनों और कुशल कार्य प्रणाली के चलते कई बड़े सेंटरों से निराश विदेशी मरीजों का
सीमित खर्चों में इलाज कर उनको और उनके परिजनों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का काम किया है। हॉस्पिटल के प्रमुख न्यूरोसर्जन डॉक्टर अनूप कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि अब अंगोला के मरीज भी उनके सेंटर में आकर इलाज कराएंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अंगोला की गिनती दुनिया के उन देशों में होती है जहां स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब है, जहां मलेरिया, कालरा, जीका आदि बीमारियों का कहर देखा जा चुका है। अंगोला में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा गंभीर रूप से कम संसाधनों और कर्मचारियों की कमी है। ऐसे में डॉक्टर अनूप की पहल से उस देश के मरीजों को काफी मदद मिलेगी। दरअसल CNCTH अस्पताल लुआंडा अंगोला के डायरेक्टर और अंगोलन न्यूरोसर्जिकल कॉलेज के प्रेसिडेंट डॉक्टर मायंडा एनडी द्वारा अपने देश की स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति को देखते हुए वहां के मरीजों के बेहतर इलाज के लिए काफी देशों में घूमकर इंटरनेट आदि के जरिए अपने देश के मरीजों के बेहतर इलाज के लिए देश के कई बड़े डॉक्टरों से बात और मुलाकात की। उस दौरान उन्होंने आजमगढ़ के बहुचर्चित केस की इंटरनेट से जानकारी हुई। तत्पश्चात उन्होंने इंटरनेट के जरिए डॉक्टर अनूप के केस और लाइफलाइन के बारे में जानकारी हासिल की। डॉक्टर अनूप की सहमति के बाद वो आजमगढ़ आए और लाइफलाइन को देखकर यहां इनके अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप इलाज की गुणवत्ता को देखकर वो यहाँ के कार्य से बहुत प्रभावित हुए। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर अनूप ने बताया कि डॉक्टर मायंदा द्वारा हमारी सहायता से अंगोला में न्यूरोसर्जिकल केयर की गुणवत्ता बढ़ने के लिए और आपसी संबंध विकसित करने की गहरी दिलचस्पी दिखाई है, जिसके बाद हम दोनों लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि लाइफलाइन हॉस्पिटल की सहायता से हम अंगोला में न्यूरोसर्जिकल केयर में सुधार के लिए कौशल परामर्श और तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। जिसमें मरीजों का इलाज अंगोला में नहीं हो पाएगा, वैसे मरीजों का इलाज हम लाइफलाइन हॉस्पिटल में करेंगे और मेडिकल सुविधा मुहैया कराएंगे। इस सेंटर को WSO की ओर से 3 AHPI, 2 डायमंड अवार्ड सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। इसके साथ ही इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। 22 के आखिरी में एक हम लोग सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म पे आपस में एक चैट हुआ, एक लाइफलाइन में ऑपरेट हुए केस को हमने पोस्ट किया था, जिसको देख करके अंगोला के सीनियर न्यूरोसर्जन जो वहाँ के न्यूरोसर्जिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने मुझसे संपर्क किया डॉक्टर मे इनोसेंटी कि इस तरीके की सर्जरीज वो और देखना चाहेंगे और इससे उनकी कंट्री को और हेल्थ स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। तो इस चीज़ के साथ उन्होंने मुझसे संपर्क किया, तो मैंने उनका सहर्ष स्वागत किया कि आप आएँ और हमें खुशी होगी कि अगर आप लाइफलाइन आते हैं तो, और यहाँ पे हम जो भी हमारा जो वर्क है वो हम आपको दिखा सकेंगे। तो इस पिछले महीने के आखिर में डॉक्टर मयांडी अंगोला से आजमगढ़ आए और उन्होंने आजमगढ़ लाइफलाइन हॉस्पिटल में जो हम लोगों के रूटीन ऑपरेशंस होते हैं, ये लगभग एक महीने के प्रवास पे ऑब्जर्वरशिप पे आए हुए हैं और उन्होंने यहाँ पे तमाम केसेस, अभी भी इन्होंने तमाम केसेस दिखे और सबसे आश्चर्यजनक जो इन्हें लगा कि हम लोग ये इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स केसेस जीरो कॉम्प्लिकेशंस के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। ये बहुत मुश्किल है ये कोट करना जीरो, क्योंकि न्यूरो सर्जरी में एक अच्छा रिजल्ट देना खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और न्यूरो सर्जरी में अगर आप इस तरीके के रिजल्ट्स की बात करते हैं तो आमतौर पे ये अविश्वसनीय माना जाता है, लेकिन ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से लाइफलाइन में ऐसा नहीं कि कॉम्प्लिकेशन नहीं होते, लेकिन ये बहुत ही अनकॉमन घटना है और हम लोग दुनिया में हो रहे जितनी भी न्यूरो सर्जिकल केसेज हैं, जितनी वेराइटी के न्यूरो सर्जिकल केसेज हैं, चाहे वो ब्रेन के हों चाहे वो स्पाइन के हों, हम लोग यहाँ पर नियमित रूप से करते हैं। ये भगवान की कृपा से बहुत हैवी बल्क सेंटर है और उससे भी बड़ी ईश्वर की कृपा ये है कि एक अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड सेंटर है और इन सब चीज़ों को देख करके डॉक्टर मे काफ़ी प्रभावित हुए और इन्होंने ये तय किया कि ये अंगोला के न्यूरो सर्जरी के लेवल को इम्प्रूव करने में इन्होंने हमसे हमारी मदद मांगी। डॉक्टर मे के लिए मैं एक चीज़ कहूँगा, ये 25 साल पुराने न्यूरो सर्जन है, आज 1998 में ये न्यूरो सर्जरी की प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुके थे और इन्होंने दुनिया में जगह जगह इन्होंने घूमे और वहाँ पे इन्होंने तमाम तरीके के एक्सपीरियंसेस देखे, लेकिन इनका एक्सपीरियंस पिछले 25 साल में जब ये लाइफलाइन में आए तो एक काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था। यहाँ पे इन्होंने हर चीज़ को एक अपने मन माफिक पाया कि इन चीज़ों को, इतनी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज को भी इतने अच्छे तरीके से, स्मूथ तरीके से, विदाउट कॉम्प्लिकेशन किया जा सकता है। तो इन्होंने ये तय किया कि ये वहाँ पे जो न्यूरो सर्जिकल लेवल है उसको बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमसे एक हेल्प के लिए, कोलेब्रेशन करने के लिए ये इच्छुक थे। फिर हम लोगों ने इस विषय पर चर्चा की और हमने ये तय किया कि अंगोला के हेल्थ स्ट्रक्चर को, न्यूरो सर्जिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में
जो स्किल का पार्ट है, जो टेक्नोलॉजी का पार्ट है, उसमें हम इनकी हेल्प करेंगे। और फर्दर टाइम बिंग के लिए जो भी पेशेंट कॉम्प्लेक्स केसेस हैं जिनका इलाज अंगोला में नहीं संभव, न्यूरो सर्जरी के जो ऐसे पेशेंट हैं उनको हम लोग लाइफलाइन में यहाँ पे ला करके इनको यहाँ ऑपरेट करेंगे। और जो पेशेंट भी वहाँ ऑपरेट हो सकते हैं उसके लिए हर तरीके के स्किल और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हम लोग इनको वहीं पर प्रोवाइड करेंगे। To my people, to Angola, whenever I go to in Africa, and I will, as I say, I hope to have Dr. Anoop and his big team in Angola. I think the future will show that. Yes, it's possible because we need to help our people, our patients, and we need this level of high standard of neurosurgery that is made in Azamagar, because Dr. Anoop is known in Africa. In this time, many people in Africa know about him. So we must have him in Africa also, particularly in Angola. How you came to know about Lifeline or Dr. Anoop? Yeah, because we have some online platform like WhatsApp, email, where we share. That platform is normally to help between us. So the developing country like us, we need help, which we can see the high standard professor, and we ask the help. In this way, I contact Dr. Anoop using WhatsApp, using email. He promptly answered me. I ask help for every country, Europe, nobody answered me. But he was one of the unique person who maybe with, I know why, because he's a very humanistic person, very social person. We understand that Africa need his help, answer me, sent me to come to Azamagar. So I'm very proud for that. I will do everything to enlarge this collaboration. When did you come here? How long time did you spend here? For I am here for 1 month. 1 month. 1 month, yes. Okay. I'm going to Delhi only to check something with my embassy, and then I came again. Yeah. You observed everything here and you found it world class. Sorry? You observed everything, every setup here. You found it world class. Yeah. The capacity of the technology, professional capacity, and mainly the love of the people is really very important. It's difficult to show that in many, many world of this world. So I think sometimes the local don't know the diamond that they have here, but they can know that. I know that. Yeah, the operating room is, you have capability to resolve the complex pathology there. The same thing I saw there, the same thing I saw in United States of America, in Japan, South Korea. But the difference is that here I have love. They accept me. Okay, I can ask any question here. He say me, Dr. Mayanda, ask me whatever you want, whatever you want. In other places, very difficult. Only you are isolated. But here I was integrated. I was as a family. That's very, very important, to feel free and to ask. That is a difference. Love is a difference. Humanity is a difference. Yeah. शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ नगर मंडल द्वारा नगर कार्यालय पर नगर अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसके बाद सभी कार्यकर्ता के साथ मेहता पार्क में बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल ने कहा कि हम सभी को बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, तभी देश का विकास संभव है। बाबा साहब का विचार था कि सभी को समान अधिकार मिले और सभी लोग शिक्षित बने। इस मौके पर जिला कार्य समिति सदस्य चंदी कानंद सिंह, महामंत्री अमन गर्ग, नगर उपाध्यक्ष मनोज बौद्ध, राजन उपाध्याय, योगेंद्र यादव, सुधीर गुप्ता, मुंशी निषाद, संतोष चौहान, आर्यन गौड़, आशुतोष मिश्रा, रानू सिंह, मिथुन निषाद, संदीप यादव, चंद्रशेखर चौधरी, सुनील प्रजापति आदि लोग उपस्थित रहे। आज हम सभी लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी नगर कार्यालय में बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए।
बाबा भीमराव अम्बेडकर, जो जैसा कि सभी लोग जानते हैं हमारे संविधान के रचयिता है, और बाबा भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांतों पर ही चलने का सभी लोग प्रयास करते हैं। और मैं आप सभी लोगों को आज बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। अभी यहां पे बाबा भीमराव की जयंती मनाई गई, सभी लोगों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि किया है। इसके बाद हम सभी लोग मेहता पार्क में अम्बेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे और सभी वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़ अ कम्प्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10 सीबीएसई पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ वेल डिजाइन कंपोजिट साइंस लैब फुली इक्विप्ड कंप्यूटर लैब फुली फर्निश्ड लाइब्रेरी एज पर सीबीएसई स्टैंडर्ड्स आउटडोर एंड इनडोर प्ले फैसिलिटी फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School 200 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. Sarvodaya Public School near RTO office Harbanshpur Azamgarh affiliated to CBSE admission open for classes nursery to 9th and 11th. Dedicated experienced and well qualified staff computer science from class 1st onwards. Playground with lush green campus, yoga, art and craft, drawing, music, dance classes, separate composite laboratories, separate classes for girls, well-stocked library, hostel facility available, free health checkup in Sarvodaya Hospital, Vidyapeeth School Center, PW School, Integrated Center for IIT JEE NEET. साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़ आईसीएसई बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज पूरे सिटी में वाहन की सुविधा एडिशनल ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़ डेरिन संदीम स्कूल तिवारीपुर मऊ रोड आजमगढ़ एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन प्ले ग्रुप टू क्लास 9 स्पेशल फीचर्स स्मार्ट क्लास अवेलेबल साइंस कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज Experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility, give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. Hotel Park Green Hydel Chauraha, Sidhari, Azamgarh. Swachh aur aaramdayak AC and non-AC rooms. 24-hour room service, North Indian, South Indian, Chinese, Italian veg
एंड नॉनवेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, आपकी खुशियों में लगाए चार चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़।